हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं द जोन ऑफ साइलेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी मशहूर है। यहाँ बोल्सन डे मैपिमी के निकट एक मरुस्थलीय भूमि का टुकड़ा है जिसे निशब्द क्षेत्र या द साइलेंट जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे ला जोना डेल साइलेंसियो कहते हैं। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस 1966 में तब रखा गया जब एक तेल कंपनी यहां तेल की खोज में आई थी। कंपनी के लोगों ने जब 50 किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया तो वे बेहद परेशान हो गए क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके वैमानिक उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। दूसरी घटना जुलाई 1970 में घटी जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ग्रीन रिवर उत्ता स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ ही सेकंड के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल मैपिमी के मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुनिया भर में यह जगह तब चर्चा में आई थी जब यहाँ उल्कापिंड गिरा था। पहली बार यहाँ साल 1938 में एक उल्कापिंड गिरा था। इसके बाद दूसरा उल्कापिंड साल 1954 में इस जगह से टकराया था। इसके बाद से ही लोग इस जगह का अजीबोगरीब होने का दावा करते हैं। तो जैसा कि यह जगह उल्कापिंडों के गिरने की भी जगह रही है जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजहों में से एक है, इन घटनाओं के बाद से मेक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनाए हैं जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही है। दरअसल उनका मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजह है, जैसा यहां विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार की उड़न तश्तरियों का दिखना आदि। वहां के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों पर काम करने वालों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से तीन सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा है जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेत पर उतरे हैं उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो गई है। तो यह थी जानकारी द जोन ऑफ साइलेंस के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस वंस वी अपलोड अ न्यू वीडियो।